जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करि चरण वंदन जाहिं ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। श्री गदाधर प्राणनाथ की श्रीवास पंडित की जय। सकल आचार चरण की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की जय। श्री प्रियालाल की जय। श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम पूज्य परम करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को गुलाब पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हुआ है। गुलाब पुष्पांजलि श्लोक संख्या 75। सुमंताद उन्मत्त भ्रमर कुल झंकार निकर लसत पद्मस्तोमयरपि विहगरावैरपि परम सखी वृंदे स्वीय सरसि मधुरे प्राणपतिना कदा द्रक्षामस्ते शशि मुखि नव केलिनिव। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद प्रिया जी के राधाकुंड बिहार लीला का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं हे शशिमुखी समंता उन्मत्त भ्रमर कुल झंकार निकरई लसत पद्मस्तोमयी विहग रावई मधुरे सरसि मनोहरे राधा कुंडे स्वीय सखी वृंदई प्राणपतिना श्री नंद नंदनेन सह ते परम नवकेलि निवहम तव श्रेष्ठम नवकेलि समूहम कदा द्राक्षाम। आचार्य चरण कह रहे हैं हे चंद्रमुखी हे प्रियजन ये राधा कुंड क्या है तो कहते हैं पद्म समूहों से सुशोभित है। राधा कुंड में तरह तरह के कमल खिले हैं नील कमल श्वेत कमल और उस पर चारों ओर से उन्मत्त भृंग वृंद गुंजन कर रहे हैं। गुंजन को भ्रमरों को देख करके प्रिया जी का चित्त श्री कृष्ण तद्भाव आवेष्टित हो जाता है और वहां पर पक्षी कल कुंजन से मुखरित जितने भी पक्षी हैं राधा कुंड के तट पर मधुर मधुर गुंजान कर रहे हैं। आप उसी मनोहर राधा कुंड में सखियों को लेकर प्राणपति श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट नव नव जल क्रीड़ाएं हम लोग कब देखेंगे। इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में जल क्रीड़ा देखने की आकांक्षा व्यक्त किए या ऐसा कब सुअवसर प्राप्त होगा कि राधा कुंड के
अंदर जो विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं और उसमें मत्त गजराज की भांति प्यारे श्याम सुंदर और लाडली जी दोनों जल क्रीड़ा करेंगे। राधा कुंड में तुम्हारे प्राणनाथ के साथ तुम्हारी जो मधुर जल केली होगी, उस जल केली को मैं कब दर्शन करूंगी। एक तो राधा कुंड ही मधुर सरोवर है, साक्षात प्रिया जी ही प्रेम प्लावित होकर के उस कुंड में विहार करती हैं और उस कुंड में विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और पुष्पों पर भमरा गुंजार कर रहे हैं। अब विविध पक्षियों के कलकुंजन से वह मुखरित कुंड, विविध प्रकार के वहां पर पक्षी अपने उद्घोष के द्वारा राधा कुंड के तटवर्ती जितने भी सखी सहचरियां हैं उनको उन्मादिनी बना रही हैं। ऐसा बिहार मैं कब देखूंगा, इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी गाढ़ चिंतन कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ये साक्षात प्रिया जी की मंजरी हैं, निकुंज की मंजरी हैं, स्वरूप मंजरी कुछ कुछ लोग कहते हैं, ये रति मंजरी, तुलसी मंजरी, मैं राधा रानी की दासी हूँ, यह भाव सोचकर उनके हृदय में लीला स्मरण नहीं हो रहा, उनको सोचना नहीं पड़ता, वो तो साक्षात वही है ही। वे प्रिया जी के निवृत्त निकुंज के ये मंजरी हैं और महाप्रभु के साथ गौर लीला में प्रकट होकर के जगतवासियों को मंजरी भाव देने के लिए यह विलाप कर रहे हैं। महापुरुष लोग जो भी क्रिया करते हैं, जैसे ग्रंथ लिख रहे हैं, तो ग्रंथ अपने लिए लिख नहीं रहे, जितने भी साधक हैं उन साधकों के लिए ग्रंथ की रचना की जाती है। महापुरुष तो तद्भाव भावित हमेशा रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो सेवा होती है जगत के कल्याण के लिए, ये विलाप जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी किए हैं ये हम लोगों के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण चोर है ना। श्री कृष्ण भक्तों के चित्त को चुराने वाले श्याम सुंदर। रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि गौर श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े चोर हैं, कृष्ण लेकिन अपने को छीप करके राधा रानी की ओढ़नी ओढ़ करके आए हैं जगत में, हैं कृष्ण लेकिन गौर वर्ण बन करके आए हैं, राधा की कांति से अपने को ढक करके कि कहीं मैं पकड़ में ना आऊं, हमको कोई पहचान न पावे, इसीलिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए। आकर क्या करना चाहते हैं, तो राधा रानी के रस भंडार को चोरी करके आकर जगत में बांटना चाहते हैं। श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य प्रयोजन, गौर का अवतार का मुख्य प्रयोजन यही, अपने काज कलाप से पकड़ में न आए, इसलिए प्रिया जी का अंग कांति को स्वीकार करके आए और अपने आप को छिपा करके आए। और खास करके श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जगत में जब से आए तो इनका स्वभाव है श्री कृष्ण का चोरी की। महापुरुषों ने तो इस पर बड़े बड़े टीकाएं भी लिखे, बड़े बड़े पद बना दिए हैं कि कृष्ण कितने बड़े चोर हैं, चोरों की अधिपति। अब देखिए, जन्म लेते ही ये माखन चोरी करना प्रारंभ किया, थोड़ा सा बड़े हुए तो वस्त्र की चोरी किए, उससे भी बड़े हुए तो गोपियों के मन की चोरी किए, राधा रानी के हृदय को चोरी किए और गौर अवतार में प्रिया जी के भाव को चोरी करके जगत में अवतार ले लिए। देखिए, यदि श्री कृष्ण उसी चोर की करुणा है, करुणा उन्होंने, ये जो कृष्ण की सबसे विशेष करुणा है इस कलिहत जीवों के लिए, प्रिया जी की अंग कांति और भाव को चोरी करके जगत में श्री कृष्ण आए और समस्त जगतवासियों को, कृष्ण का अवतार भगवत अवतार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, ठाकुर जी का अवतार होता है तो समग्र प्राणियों के लिए,
पशु के लिए, पक्षी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, राजा के लिए, महाराजा के लिए, ब्राह्मण के लिए, शूद्र के लिए, गरीब सबके लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु अवतार लेकर संपूर्ण जगत को राधा भाव देना चाहते, मंजरी भाव देने के लिए आए तो संपूर्ण जगत को देना चाहते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य से कहे कि मैं चाहता हूं कि राम के अवतार में जितने भी भक्त थे, नृसिंह के जितने भक्त हैं, बामन के जितने भक्त हैं, जितने अवतारों के जितने भक्त हैं, समस्त भक्तों को मैं मंजरी भाव दे। श्री कृष्ण के गौर के अवतार का मुख्य प्रयोजन ये। और हे सीतानाथ, हे अद्वैताचार्य, हम लोग भी जो यहाँ आए हैं सबको राधा पददासी दे रहा है। अद्वैताचार्य कौन है? महा विष्णु सदा श्रीवन, उनको भी मंजरी बनाना है। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है, उनको भी अनंत मंजरी बनाना है। श्रीवास को समस्त जगत में जितने, एक तो महात्मा कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जिस पेड़ को छू दिए, जिस पशु पक्षी को देख लिए, सबको मंजरी भाव। तो गौर का अवतार ही हुआ है अनर्पित चरिम चिराज करुणया अवतीर्ण कल, अनर्पित चरि किया है ये मंजरी भाव। मंजरी भाव में राधा पद दासी, श्री कृष्ण भी चाहते हैं हम किशोरी जी की सेवा करें, राधा रानी की सेवा करें। कृष्ण के भी मन में, कृष्ण भी श्री गौरांग महाप्रभु को तीन भाव हमेशा उच्छलित होता रहता था, राधा भाव, कृष्ण भाव और मंजरी भाव। मंजरी भाव जब होता था तो पुष्प चयन इत्यादि करते थे। अब कहां देंगे तो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपनी इच्छा से जो भी देह दे, उस समस्त देहों के द्वारा हमको वही भेजो जहां हमारा जाति स्मर भी रहे, कि मैं ये भी पता रहे कि जय नवदीप में जब मैं हूं तो ये भी भाव जाए नहीं, नवदीप लीला का भी भाव न जाए, और चीर काल तक तुम्हारी इस आश्चर्यजनक लीला जो प्रियालाल का दिव्य विहार है उसका स्मरण होता रहे। इससे पता चलता है कि कलिहत जीवों को दोनों लीला दिया गया है, गौर लीला और कृष्ण लीला। बिना गौर लीला के कृष्ण लीला में प्रवेश होगा नहीं। गौर लीला है कलिहत प्राणियों के चित्त को शुद्ध करने के लिए, गौर लीला है। हेथा गौर चंद्र पावो सेथा राधा कृष्ण, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं कि बिना गौर लीला के, बिना गौर कृपा से राधा पद दासी का भाव सुदृढ़ नहीं हो, गौर का चिंतन करना पड़ेगा। गौर महाप्रभु की कृपा से ही रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर उस रस के लिए विलाप कर रहे हैं। ये विलाप किस लिए कर रहे हैं? हम लोग के लिए, अपने लिए उनको कोई जरूरत नहीं, वो तो है नहीं राधा किंकरी, नित्य किंकरी हैं। प्रिया जी की सेवा तुलसी मंजरी के रूप में करते हैं, रति मंजरी के रूप में, तुलसी रति मंजरी भी है रघुनाथ दास गोस्वामी, कोई रति मंजरी कहता है, कोई तुलसी मंजरी। लेकिन जो ये भगवान भाग्यवान जीव ही आज भी राधा कुंड के तट पर साधक लोग जो भजन करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी का विलाप सुनाई देता है, हा प्राणेश्वरी, हा निकुंजेश्वरी, ये शब्द सुनाई देता है, क्योंकि इतना तड़पे हैं, वो तड़पन आज भी है। और तुलसी मंजरी के रूप में नित्य ही जुगल के सेवा के रस में निमग्न होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी जो विलाप किए हैं, अब विलाप में मैं प्रिया जी के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, हा प्राणेश्वरी निकुंजेश्वरी, यह सब आज भी रह रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला का स्मरण कर रहे हैं। भावाविष्ट में श्रील दास गोस्वामी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रियालाल का यहाँ पर जल विहार चल रहा है, राधा कुंड के में जल विहार चलता है, वहां पर नांदी मुखी कुंदलता धनिष्ठा इत्यादि सब सखियां उपस्थित हैं, सब लोग विचार करते हैं। देखिए भगवान अपने लिए कोई लीला नहीं करते,
श्री कृष्ण का मन में ये केवल सखी के सुख आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी का ऐसा लीला चलता है। इस रस को प्रारंभ भी सखियां करती हैं, उस रस का अवगाहन भी करती हैं और उस रस को समेटती भी सखियां। इस सखी के तो सभी सखियां मीटिंग की कि आज क्या लीला होना चाहिए, आज प्रिया लाल का जो लीला होगी क्या हो, क्योंकि भगवान प्यारे श्याम सुंदर तो भक्त की इच्छा ही पूरा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान का कोई इच्छा नहीं है। ये जितना अवतार बार बार जगत में होता है ये केवल भक्तों की इच्छा से होता है। ठाकुर अब भक्त के तो दास हैं, हम भक्तन के दास, भगत मेरे मुकुट मणि, जितने भी अवतार हैं ये सब भक्त के सुख के लिए होता है। तो सखी मंजरिया विचार की कि आज क्या से आज क्या कौन सी लीला होनी चाहिए। तो सखियों ने प्रस्ताव रखा और उसको पारित किया, उसको कौन किया तो कहा गया कि आज जल युद्ध होना चाहिए, जल में प्रियालाल का युद्ध होगा। अब प्रिया जी को भी जल के उपयोगी वस्त्र धारण कराया गया। मंजरिया प्रिया जी को जल में स्नान करने का उपयोगी जो वस्त्र है और श्री कृष्ण को भी पहनाया गया, उसमें श्वेत सूक्ष्म साड़ी प्रिया जी पहनी और कसा हुआ वस्त्र श्याम सुंदर पहने। आज युद्ध होगा तो युद्ध में ये भी निर्णय रख दिया गया कि जो हारेगा उसको क्या दिया जाएगा, क्या करेगा, लड़ाई हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है। तो ललिता सखी ये निर्णय की कि इस शर्त में ये युद्ध होगा उसमें जो हार जाएगा वो अपना अधराशों का दान करेगा। तय हो गया, यहाँ राधा माधव आमने सामने खड़े होकर के जल का वर्षण प्रारंभ कर दिया। दोनों एक दूसरे की जल उलेच रहे। सखिया राधा कुंड के तट पर चारों तरफ खड़े होकर के उस रस का, उस जल युद्ध का दर्शन कर रहे। ये जो ड्रामा नाटक इत्यादि होता है ना, तो नाटक दर्शक के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। तो प्रियालाल का जो युद्ध हो रहा है जो भी, वो सखियों के लिए होता है, सखी ही उसका स्वादन करती। श्याम सुंदर प्रिया जी के मुख पर जल उलीच रहे, उधर प्रिया जी भी। इतना श्याम सुंदर तो अनाड़ी, इनको तो युद्ध करने नहीं आता है। अब जैसे अघासुर के साथ लड़ना है वही ताकत दिखा रहे हैं प्रिया जी के पास। अब प्रिया जी तो सरल सहज, प्रिया जी की आंख में प्यारे श्याम सुंदर बार बार जल को डाल रहे हैं। प्रिया जी को अब सहा नहीं गया, आंख लाल लाल हो गया। प्रिया जी थोड़ा जल में ऐसे डूबी और डूब करके जो स्वर्ण कमल था, श्वेत कमल स्वर्ण चमकता वहां जाकर के छिप गया। प्यारे श्याम सुंदर पागल होकर के राधा कुंड के तट पर अन्वेषण करने लगे कि प्रिया जी कहाँ गई, कहाँ गई। ये देखिए लीला, वहां दो दो लीलाएं, श्वेत स्वर्ण पद्म है और नील पद्म है दोनों। जब प्रिया जी हार गए, युद्ध में हार गए, तो ललिता जी के पास गए कि अब क्या करना चाहिए, अब पण दे दो, दाव में हार जाने पर दाव देना पड़ता है। सखियां भी आकर के कह रही हैं, प्रिया जी बिल्कुल मौन है, शांत है, और श्याम सुंदर बार बार अपना दाव मांग रहे हैं, हमारा दाव दे। श्याम सुंदर ने श्रीमती के निकट आकर के कहा कि मेरा दाव दो। प्रिया जी बिल्कुल शांत हैं। प्रिया जी का उस समय भू भंगिमा देख करके ललिता जी सखियां चुप हैं, क्या किया जाए, क्योंकि जब प्रिया जी जीतती हैं तो जय हो का नारा लगता है, फिर राधा रानी का नाम का उद्घोष होता है। प्यारे श्याम सुंदर जीत गए हैं तो कुछ भी एक भी शब्द नहीं हुआ, क्योंकि उस सखियों में भी तीन प्रकार की सखियां हैं, कोई सुपक्षा है, कोई विपक्षा है, कोई तटस्था है। तो जो तटस्थ है और कोई विपक्ष है, कोई सुहृद पक्ष है, कोई प्रिया जी के पक्ष का है, कोई श्याम सुंदर के पक्ष का है। महाराज प्रिया जी का उस समय नेत्र रक्ताप हो गए, लाल हो गए। चैतन्य चरितामृत में उस भाव को हेला नामक भाव कहा गया है।
स्वामी की मुख पर मंद मंद मुस्कुरान है, भीतर भीतर थोड़ा सा उदास भी है कि मैं हार गई हूँ। नेत्रों को पूरी तरह बंद भी नहीं की है। ये रसिक भक्तों के लिए वह प्रिया जी का नेत्र ही स्मरणीय है, स्मरण करते हैं। प्रिया जी थोड़ा सा भी अपने मुख को इधर करती हैं तो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के देखे बिना तड़प जाते हैं। श्याम बार बार एक ही शब्द कहते हैं, हमारा दाव दे दो, मेरा दाव दे दो। स्वामिनी शीघ्र देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि रस का उत्कर्ष तभी होता है जब बाम्य भाव हो, बाम्य हो, संकोच हो, अवज्ञा हो, उपेक्षा हो। ये चार भाव जब तक प्राप्त नहीं होता है तो रस की वृद्धि नहीं होती है। तो उस समय प्रिया जी बाम्य भाव को स्वीकार की हैं, थोड़ा सा संकोच है, थोड़ी सी अवज्ञा है। प्यारे श्याम सुंदर के बार बार कहने पर भी प्रिया जी उनके बात की ओर ध्यान नहीं देती हैं, और उसके साथ साथ उपेक्षा भी। फिर चारों ओर सखियां, आहा, उस अप्राकृत नवीन मदन ये ब्रजराज दुबार की उस लीला का अवगाहन करना चाहती हैं। प्यारे श्याम सुंदर बार बार प्रिया जी को स्पर्श करके और अपने मुंह से कहते हैं कि तुम हमारा पर्ण दे दो, हमारी दाव दे दो, दयाव दे दो। और प्रिया जी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि प्रिया जी बाहर से तो उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन अंदर से अपेक्षा है, मुंह से कुछ बोलती नहीं है। और श्याम सुंदर ऐसा कर लगता है कि अपने हाथ से प्रिया जी को स्पर्श कर लेंगे। अब प्रिया जी कहती हैं, बस 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 हो गया, छुओ मत, खबरदार हमको छुओ मत। मन में है कि ये छुए नहीं। यह कैसी अपूर्व माधुरी प्रिया लाल का है, इसको देख करके सखी मंजरिया महाराज त्रीण को सोचती हैं कि किसी को नजर न लग जाए। श्याम के मुख का प्रतिबिंब प्रिया जी के कपोल पर पड़ता है, जिस कपोल को दर्शन प्रतिबिंब का जो स्थान है उसको देखते हैं। तो प्यारे श्याम सुंदर जी कहते हैं कि जब प्रतिबिंब तुम्हारे कपोल पर पड़ गया तो बिंब से क्यों डरती हो, क्यों, क्या क्या किया तुमने, कह करके स्वामी जी को प्यारे श्याम सुंदर पकड़ लेते हैं। सखी मंजरिया जय हो का नारा लगाती। अद्भुत उस जल के अंदर जो बिहार है उस बिहार का सखी मंजरिया स्वादन करती हैं। अधरों प्रिया जी का जो अधर है लाल लाल बिंबा फल की तरह सब है, और प्यारे श्याम सुंदर उस रस में उन्मत्त हो रहे हैं। इस रस को रसिक महापुरुष लोग बहुत लोग विद्यापति जी तो बहुत पद ऐसा गाए, इस रस का भगवत रसिक जी गाए हैं, हरिदास स्वामी हरिदास गाए हैं, उस रस का वर्णन भगवत रसिक जी कहते हैं। अधर मद पाई प्रसन्न भये भूषण बसन सम्हारी सहचरी नवसत सहजने लोचन मुकुर बिलोक परस पर चूमिक पोल लये भगवद रसिक रस भरी बतिया कहि मन मोद दये अधर मद पाई प्रसन्न भये। सखी मंजरिया राधा कुंड के तट पर उस नित्य विहार प्रियालाल का जो जल युद्ध है, उस रस में जो उन्मत्तता आ रही है उस रस का सखी मंजरिया आस्वादन करती है। प्रियालाल के उस विहार को देख करके सखियां कह रही हैं, मेरे प्राण जीवन प्रिया प्रियतम ही जिन सखियों का जीवन धन है। किशोरी जी के उस रस का विद्यापति जी जयदेव जी
जयदेव जी भी उस रस का अवगान किए हैं। खास करके कृष्ण कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस रस का स्वादन करते हैं। उस जमुना जी के तट पर पुनः सखी मंजरियां प्रिया जी की जो जल का वस्त्र था उसको निकालती हैं और पुनः श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करके प्यारी जी के अनुसार प्यारी जी के कुंज में ले जाती है। कैसी उनकी स्थिति है ये वर्णन करते हैं भगवत रसिक जी। नैना घूमत है मद छाके जगे जमात शिथिल पट भूषण सुख संतोष न थाके पलकन पीक यधर यंजन रद छद कपोल ललनाके भगवत रसिक पोंछियन चल मुख भगवत रसिक पोंछियन चल मुख प्यावत यधर सुधा के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। इस रस का आस्वादन विद्यापति जी करते हैं। जितने रसिक महापुरुष हैं इन लोगों का आहार यही विद्यापति जी कहते हैं। प्रिया जी ललिता सखी पूछती प्रिया जी से उस रस के विषय में, तो खुद प्रिया जी ललिता सखी से कहती है, विद्यापति जी ललिता सखी पूछने के बाद प्रिया जी कहती कि कहब है सखी आजो कबीचार की कहब है सखी आजुक विचार से सुपुरुख मोहि कयल श्रृंगार। राधा कुंड के तट पर जो निभृत निकुंज है स्नान के बाद प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को खुद श्रृंगार की कहब है सखी आजुक विचार से सुपुरुख मोहि कयल लशंगार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हंसी हंसी पहुआ लिंगन देल मन मथ अंकुर कुसुमित भेल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
राय में रास को छोड़ करके प्यारे किशोरी जी को लेकर के निवृत्त निकुंज में जो लीला किए हैं, तो प्रिया जी कहती हैं कि जब आस्वादक नहीं है तो लीला करने से क्या फायदा। इस रस को तो किसी को अवगाहन करना चाहिए, सखी सखियों के बिना तो ये रास का कोई मतलब भी नहीं है। तो ललिता सखी से प्रिया जी खुद जो निवृत्त निकुंज में लीला हुआ है उस लीला को बता रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर की और लीला, हंसी हंसी पर हुआ लिंगन देला मन मथयंकुर कुसुमित भेल आचर परसी प्रयोधर हेरु जन्म पंगु जन मिटल सुमेरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे साधक भक्ति करते ही उसकी भक्ति की स्तर बढ़ने लगती है, भक्ति जो बढ़ता है रति प्रेम मान प्रणय राग अनुराग, वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर की जो भक्ति है और प्रिया जी के स्पर्श से उनको बढ़ रहा है श्याम सुंदर का। देखिए ये सेवा की परिपाटी है, यहाँ तो ससुख नाम की कोई चीज नहीं है, तत्सुख है। प्रिया जी अपने लिए नहीं करती और श्याम सुंदर भी है, ये केवल सखियों के आस्वादन के लिए लीला है, ठाकुर जी का जो लीला है। आचर परसी पयोधर हेरो जन्म पंगु जन भेटल सुमेरु जब निबिबंध खसावल कान तोहर सपथ हम किछु नाही जान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राधा कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस रस का अवगाहन कर रहे हैं। उसमें रति चिन्ह जानल कठिन मुरारी तोहर